नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। हरिवाल लोकायुक्त की टीम द्वारा एक बार फिर शहडोल जिले के बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत मैकी सरपंच और पंचपति को 50,000 रुपए की रिश्वत देते ट्रैप किया गया है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। रिश्वत की यह रकम स्टाप डैम निर्माण कराए जाने की अनुमति देने की एवज में मांगी गई थी। इस पूरी कार्रवाई को लेकर रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह ढाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता अहमद शाह निवासी वार्ड क्रमांक 27 ईदगाह के सामने थाना बुढ़ार जिला शहडोल ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत मैकी जनपद पंचायत सुहागपुर के सरपंच मगधु बैगा और पंच राबिया बेगम के पति मोहम्मद सलीम द्वारा स्टाफ डैम निर्माण करने की अनुमति देने की एवज में 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई है। इसके बाद बातचीत के दौरान रिश्वत की यह रकम 80,000 रुपए में तय हुई है और आज 50,000 की रिश्वत लेते सरपंच सहित महिला पंच के पति को रगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है। बताया गया कि ट्रैप की कार्रवाई शहडोल शहर के पांडव नगर तिराहा स्थित एक चाय की दुकान में की गई है। लोगों की टीम ने रिश्वत के 50,000 रुपए जब्त कर लिए हैं और दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त प्रवीण सिंह परिहार सहित 12 सदस्यीय टीम शामिल रही।